तो श्रोमणी अकाली दल की अज बैठक भी है, अकाली भाजपा गठजोड़ नूं लैके चर्चा भी हो सकती है। दोपहर 3 बजे के करीब ये मीटिंग रखी गई है। सुखबीर सिंह बादल की अगवाई के विच बैठक होण जा रही है, अकाली दल के दफ्तर के विच ये बैठक होवेगी। श्रोमणी अकाली दल के वल्लों बैठक भी बुला ली गई है इन चर्चावां के विचाले। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दा जो रिश्ता जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर तो जुड़न जा रहा है, तो उस मसले के उत्ते इस बैठक के विच चर्चा होने की पूरी संभावना है। अगे दोवें पार्टियां किस तरह पंजाब दे विच इकट्ठे होकर लड़नगियां, 2024 की जो चोण आ रही है उसनों लैके ये दोवें पार्टियां किवें एकजुट होकर लड़नगियां, या फिर कहिए कि सीटां दी वंड किस तरह होएगी, तो इस मसले के उत्ते चर्चा होवेगी। जेकर सहमति बन गई है, जेकर मंत्रालय दिता जा चुका, तो फिर इस गल के उत्ते भी लगभग सहमति जी वो बनकी होएगी कि वोट शेयरिंग जिहड़ियां सीटा ने सीट शेयरिंग वो किस तरह होएगा। श्रोमणी अकाली दल के हिस्से किन्नियां सीटा आउणगियां, भाजपा के हिस्से दे विच किन्नियां सीटा आउणगियां, ते किहड़ी किहड़ी थां तों किसदा जिहड़ा उम्मीदवार वो होएगा। दुपहर 3 बजे मीटिंग का समा रख्या गया, जिस दे विच अकाली भाजपा गठजोड़ नूं लैके जो चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो लंबे समय बाद एक बार फिर तो इस गल की चर्चा जी हो लग पी है कि दोवें पार्टियां इकट्ठिया हो रही। लंबा समा इकट्ठिया पंजाब दे विच सरकार भी बनाई, इकट्ठा होकर चोणां लड़ते रहे श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा, हुण एक बार फिर उही चर्चावां तेज़ हो रही ने। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि सीटां दा जिहड़ा समीकरण है वो कुछ वक्खरा होएगा। भाजपा जिस तरह पहला मंग करती हुंदी सी कि वोट सीट शेयरिंग साडा ज़्यादा होना चाहिए, ना इस बार उसके उत्ते सहमति बन सकती है। भाजपा का जिहड़ा पाला आपां कह सकदे आ कि इस बार वो भारी नज़र आ सकता है। तो इस तो पहला आप देखते रहे कि बयानबाजी होंदी रही, चाहे वह भाजपा के कौमी लीडर सन, तो उन्होंने भी समय समय के उत्ते इस तरह की बयानबाजी की है। श्रोमणी अकाली दल वड्याउंदे रहे, मरहूम प्रकाश सिंह बादल का जिक्र होंदा रहा। राजनाथ सिंह चंडीगढ़ पहुंचे सीगे, उत्थे आके भी उन्होंने NDA दे गठजोड़ पार्टियां जिहड़ियां रहियां उन्होंने याद किया, खास तौर दे उत्ते श्रोमणी अकाली दल का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने उस समय आख्या कि मैनू इत्थे खड़ के मरहूम प्रकाश सिंह बादल की याद आ रही है। NDA तो जिहड़ियां भी पार्टियां दूर गईयां, बेशक वो अज साढ़े तो सियासी तौर दे उत्ते दूर ने, पर दिलों तो दूर नहीं। तो उस समय भी ये क्यास रहियां लगन लग गईयां सी कि आने वाले दिनों दे विच गठजोड़ नूं लैके चर्चावां होर सरगर्म हो सकदियां ने, ते श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा वाले इकट्ठे हो सकते हैं। हालांकि जदों लीडरां दे नाल गल करदे सी आगूआं दे नाल तां खुल के बोलन नूं तैयार नहीं सी, पर ये जरूर आख दिंदे सी कि निजी तौर दे उत्ते साडी राय ये है कि दोवें पार्टियां इकट्ठियां हो के चोण लड़। जदों बीते दिनी सुनील जाखड़ नूं पंजाब भाजपा का प्रधान बनाया गया, तो उस समय भी कई आगूआं दे नाल गलबात हुई। उन्होंने भी निजी तौर दे उत्ते कई ने गल कही सी कि ये गठजोड़ होना चाहिए, पर खुल के बोलन नूं तैयार नहीं सी। पर जदों इस तरह का कोई बयान दिता जाता है, अगर उहदे गहराई दे विच जाके देखिए, तो फिर इहदा मतलब हुंदा कि पार्टी पद्धर दे उत्ते इस तरह दीआं चर्चावां चल रही ने, या इस तरह दीआं मीटिंगां हो रही ने, तां उसे दा ही आपां इस नूं सिट्टा कह सकते हैं कि अज जो जानकारी सूत्रां दे हवाले तो मिल रही है कि लगभग सहमति जिहड़ी जरूर बन गई है। समत प्रीत माहल इस खबर के उत्ते साडे नाल जुड़े आ। समत, की कोई जानकारी अज इस बैठक दे विच चर्चा का जिहड़ा विषय आ वो अहम की रहण वाला है? इस तो पहला हालांकि मुद्दे होर भी दसे जा रहे थे, पर हुण जिस तरह खबर आई कि श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा का गठजोड़ जिहड़ा चर्चा इस तरह की है कि लगभग संभव हुंदा होया नज़र आ रहा, तो अजिहे दे विच की इसे मुद्दे ते ही चर्चा रहेगी? देखो जतिंदर, जिस तरह 2024 दीयां लोक सभा इलैक्शन नेड़े आ रही ने, तो उस तो पहला एक पंजाब की सियासत दे विच काफ़ी भूचाल नज़र आता है
क्योंकि अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ होना संभव जो हो चुका है। तो दसा जा रहा है कि 11 जुलाई में हरसिमरत कौर बादल वालों केंद्रीय मंत्री वजों सहुं भी चुकी जा सकती है। तो जो सानू सोर्स जानकारी दे रहे हैं इसके चलते हुए अज दसा जा रहा है कि एक मीटिंग है जी अनऑफिशियली तौर के उत्ते सुखबीर सिंह बादल वालों बुलाई गई है, जिस सारी सीनियर लीडरशिप है जी अकाली दल की वो शामिल रही है। तो यह 3 बजे के करीब है जी वो दसी जा रही है। हालांकि थां हाले स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिरकार कितने किस जगह से जी मीटिंग है जी हो जा रही है, क्योंकि दसया जा रहा है कि इस मीटिंग के एक तय होगा कि किस तरह नाल जी कि सीट है जी बीजेपी नूं देनी होगी, क्योंकि 7-5-1 रेशियो जी इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है कि 7 सीटा जी अकाली दल वालों लड़ी जाएगी, 5 सीटा ने जी बीजेपी वालों, 1 सीट है जी BSP ने जी दी जा रही है, जो हुण तक की सोर्स सानूं जानकारी दे रहे हैं। पर हुण अज की मीटिंग दे विच की कुछ निकल के सामने आता है कि ऑफिशियली तौर के उत्ते वर्जन किसी अकाली लीडर का सामने आएगा या नहीं, यह देखना बेदहम रहने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव ने जोड़े वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। इन चोणों के दरमियान हुण अकाली दल और BJP का गठजोड़ होना भी कितना कि संभव जाप रहा है। हुण इन कितों कौन कौन इलैक्शन कितों कितों सीट है जी BJP को छड्डी जाएगी अकाली दल वालों, तो यह देखना बेदहम रहेगा कि केड़ी केड़ी सीट से दावेदारी अकाली दल की रहेगी, केड़ी केड़ी सीट से BSP की, केड़ी सीट से जी BJP की दावेदारी है वह रहने वाली है। ठीक है सम्मत, जानकारी दे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अज मीटिंग जरूर होने जा रही है, पर इस तो बाद कि कोई बयान इस तरह का दिता जाऊगा गठजोड़ लैके, तो उस दे उत्ते नज़र सब दियाँ बनिया रहनगियां। हालांकि बयान कई बार सीधा ना दिता जाए तो जो बयान कोई सियासी आगू इस तरह का दिता है तो उतों भी बहुत सारिया गल्लां क्लीयर हो जाए ने कि इस बयान के पिछे है की है। जेकर अज इस गल नू लैके जे इस तरह का भी बयान दे दिता जाता किसी आगू के वलों कि कुछ भी संभव हो सकता है या फिर आने वाले दिनों दे विच इस दे उत्ते सहमति बन भी सकती है, तो अजिहे दे विच समझा जा सकता है कि फिर इस दे उत्ते मोर लग चुकी है।